कृषि कानूनों के विरोध में देशभर के किसान करेंगे दिल्ली कूच। 26 नवंबर से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन, 500 किसान यूनियनों के संयुक्त मोर्चे का ऐलान। यूपी के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क दुर्घटना, बारातियों से भरी बोलेरो एक ट्रक में घुसी, 6 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत। कोरोना के खतरे को देखते हुए अहमदाबाद में आज से 57 घंटे का कर्फ्यू, आज रात 9 बजे से 23 नवंबर की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। 50 दिन बाद बढ़े पेट्रोल के दाम, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 17 से 20 पैसे और डीजल में 22 से 25 पैसे तक की बढ़ोतरी। नोएडा के बाद फरीदाबाद और गुरुग्राम बॉर्डर पर भी दिल्ली से आने वालों की होगी कोरोना जांच, स्वास्थ्य विभाग की टीमें लेंगी रैंडम सैंपल। जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स के बच्चों के लिए एमबीबीएस और बीडीएस की 5 सीटें रिजर्व, केंद्र सरकार का फैसला इसी शैक्षणिक सत्र से लागू। हिमालय से आने वाली शीतलहर ने दिल्ली और एनसीआर में बढ़ाई ठंड, गुरुवार रहा सीजन का सबसे ठंडा दिन, न्यूनतम तापमान हुआ 9.4 डिग्री सेल्सियस। लखनऊ की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राज बब्बर और बीजेपी सांसद रीता बहुगुणे जोशी के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट, 2015 में हुए एक प्रदर्शन से जुड़े मामले में अदालत में नहीं हुए थे हाजिर। और देश में 8 महीने से ठप पड़ी खेल गतिविधियां, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के साथ आज से शुरू, गोवा में एटीके मोहन बगान और केरल ब्लास्टर्स के बीच खेला जाएगा उद्घाटन मैच।